फरीदाबाद को अगर किसी नाम से जाना जाता था तो वह बड़खल झील के नाम से जाना जाता था। बड़खल झील का नाम आते ही पुराने समय में लोग चले जाते हैं, जब यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी और उसके साथ साथ यहाँ शनिवार इतवार को पांव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन काफी वर्षों से बड़खल झील सूखी रही और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन 2014 के अंतर्गत सीएम अनाउंसमेंट में बड़खल झील पर करोड़ों रुपए की लागत से अब यहाँ पर बहुत ही आकर्षक टूरिस्ट प्लेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें पानी भरने के लिए शहर के वेस्ट वाटर सिस्टम को एसटीपी के थ्रू क्लीन करके इसमें पानी भरा जाएगा। अब झील में पानी पूरे साल लबालब रहेगा। इसके साथ एक फोर लेन बनाया जाएगा और झील के किनारों पर मरीना बीच की थीम पर आकर्षक पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे, जिसमें रेस्टोरेंट के साथ साथ और भी पर्यटकों को लुभाने के आकर्षण केंद्र होंगे। सितंबर 2023 तक यह सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर झील के अंदर पानी की बोट में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र की स्थित बड़खल झील का है, जो अभी सूखी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर बड़खल झील अपने पुराने अस्तित्व में नजर आएगी। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए अपने परिवार के साथ आएंगे। बड़खल झील फरीदाबाद की पहचान होती थी। NCR का सारा टूरिस्ट सैटरडे और संडे को यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले 20-25 साल से ये वीरान हो गई। 30 साल से जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेहमान आते थे तो उनको बड़खल झील जरूर लाते थे खाना खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन वो यादें रह गईं। बड़खल झील लुप्त हो गई, टूरिज़्म बिल्कुल एक तरह से यहाँ नगण्य हो गया, फरीदाबाद की पहचान खो गई। अब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैली में हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक सीमा जी की मांग पर इस बड़खल झील को रिवाइव करने के लिए मांग रखी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन कोरोना के कारण पानी कहाँ से लाया जाएगा, उसकी कई बार फिजिबल रिपोर्ट उसकी ठीक नहीं आई, लेकिन अब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब लगभग काम आप देख रहे हैं शुरू हो गया है। नीचे उसका पानी नीचे ना जाए झील का, उसके लिए आप देख रहे हैं बेड बनाने का काम शुरू हो गया है, रिटेनिंग वाल का काम शुरू हो गया है, उसकी 3D इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। आपने हैदराबाद और बंगलोर का मैरीना देखा होगा, जो स्मार्ट सिटी में बनाए, बिल्कुल उसके तर्ज पर यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। 78 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस तरफ पर आने वाली है। उसमें पार्किंग है, उसमें 800 मीटर का जो बांध है वो है, उसमें झील का बेड है, उसमें STP है 22.5 करोड़ का। ये तब मिलकर और अगले सितंबर तक, जब मोदी जी का जन्मदिन 2023 में पूरा देश मनाएगा, उस समय हम इस झील को लोगों को रिवाइव करके लोगों के सुपुर्द कर देंगे।